कि जो देश कभी भी युद्ध नहीं जीत पाया हिंदुस्तान से, उस देश के जो समर्थक हैं वो हिंदुस्तान में अब ऐसी चीजों पर जश्न नहीं मनाएंगे तो करेंगे क्या। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपनी खराब गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ काफी बयानबाजी हो रही है। मोहम्मद शमी ने कल अपने स्पेल में 3.5 ओवर में 43 रन दे दिए थे। इसके बाद उन्हें फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लेकिन टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज के बचाव में क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ी सामने आए। शमी के बचाव में सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शमी एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, उनका दिन खराब था जैसा कि कई खिलाड़ियों के साथ होता है, मैं शमी और टीम इंडिया के साथ। वीरेंद्र सहवाग ने भी मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शमी एक चैंपियन खिलाड़ी है और जो देश के लिए खेलता है उसके दिल में भारत ही होता है। इरफान पठान ने शमी का बचाव करते हुए लिखा कि उनके समय में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी और ये सब रुकना चाहिए। मैच में भारत की हार के बाद मोहम्मद शमी ट्रोल हुए तो कई खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी शमी का साथ ये कहकर दिया कि जब टीम खेलती है तो टीम ही जीतती है और टीम ही हारती है। जाती नहीं, बहुत शर्मनाक चीज है कि जो हिंदुस्तान के लिए खेलता है, जो हिंदुस्तान के लिए अपना खून पसीना बहाता है, जो हिंदुस्तान के लिए मेहनत करता है, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतने लंबे समय तक खेलता आया है, कई इतने मैच इंडिविजुअली भी जिताए हैं, अगर एक मैच किसी का खराब हो जाए उसके बाद क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के है उसको टारगेट करना बहुत शर्मनाक चीज़ है। ऐसे इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं, मोहम्मद शमी के साथ हैं, पूरी भारतीय टीम के साथ हैं और आखिरी दम तक रहेंगे क्योंकि यही वो भारतीय टीम है जिसने हमारे को इतनी बड़ी बड़ी जीत दिलाई भी है। अगर आप एक मैच हार जाएं और वो भी अगर किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, ये बहुत ख़राब चीज़ है। देखिए, जब आप फील्ड पर जाते हैं खेलने तो एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, ये ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ने पूरा एफर्ट नहीं दिया, हर तरीके से एफर्ट दिया। कई बार आपको दूसरी टीम को अप्रिशिएट भी करना पड़ता है। इससे पहले जो रिकॉर्ड है, पाकिस्तान 12 मैच हारा है हमसे, तो अगर 12 मैच हारा है और 12-1 का रिकॉर्ड है, लेकिन एक मैच अगर भारत हार जाता है और इस तरीके का रिएक्शन आप उन लोगों को देखिए, उन खिलाड़ियों की शूज़ में रह के देखिए कि उनके लिए कितना मुश्किल है कि अगर आप मैच हार जाएं पहले तो उसका दुख, उसके बाद सोशल मीडिया पे रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन। आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टीम को तब सपोर्ट करते हैं। जीत में तो सभी सपोर्ट करते हैं, जब टीम हार जाए तब सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वही असली हिंदुस्तानी खिलाएगा जो जब हार में भी अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान में कल की जीत का जश्न जिस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वो जीत उनके लिए भले ही बहुत खास हो, लेकिन भारत के नजरिए से पाकिस्तान से मिली हार बहुत बड़ी नहीं है। दरअसल विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। T20 विश्व कप में अब तक भारत और पाकिस्तान 6 बार भिड़े हैं, जिसमें 5 बार भारत ने जीत दर्ज की है और 1 बार पाकिस्तान जीता है। इसी तरह से वनडे जो विश्व कप है उसमें 7 बार भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुए, इनमें सभी मैच भारत ने जीते। T20 और वनडे दोनों क्रिकेट फॉर्मेट के विश्व कप मैचों को मिलाकर देखें तो अब तक दोनों टीमें 13 बार भिड़ी हैं, जिसमें पाकिस्तान केवल 1 बार जीता है। कल पाकिस्तान ने T20 विश्व कप के मैच में भारत को 10 विकेट से हराया। इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने लगभग हर क्षेत्र में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया। गेंदबाजी करते समय भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिए और बल्लेबाजी करने आए तो गेंदबाजों को 1 भी विकेट नहीं लेने दिया। जिस तरह का खेल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दिखाया उसके बाद वो जीत की हकदार थी, यही खेल भावना है। लेकिन पाकिस्तान में इस जीत को लेकर कुछ और ही चल रहा है। वहां इस जीत को धार्मिक रंग देते हुए इस्लाम की जीत बताया जा रहा है। पाकिस्तान के जो गृह मंत्री है शेख रशीद, उनका बयान ऐसा है मानो इस मैच की जीत के बाद पूरी दुनिया में कोई इस्लामिक क्रांति हो गई हो। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वैसे शेख रशीद को उनके ही देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यह छोटी सी जीत शेख रशीद के अनुसार आलम इस्लाम यानी विश्व के मुसलमानों की जीत है। क्रिकेट का ऐसा इस्लामीकरण शायद आपने हाल फिलहाल में सुना ही नहीं होगा। विरोधाभास यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान क्रिकेट के जाना माना नाम, फिर भी मंत्रियों और क्रिकेट और खेल भावना का कोई अंदाज नहीं, वो हर चीज धर्म के चश्मे से देखते हैं। कल जब मैच चल रहा था तो इमरान खान अपने कुछ करीबियों के साथ मैच देख रहे थे। इमरान खान ने खुद यह तस्वीर ट्वीट की और अपनी टीम को बधाई दी। लेकिन शेख रशीद की तरह इस जीत को अब तक इस्लाम की जीत तो नहीं बताया है।
खेलों की दुनिया में कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, चाहे किसी टीम की जीत हो या हार हो, खेल भावना हमेशा जीतती आई है और जीतती रहेगी। आपने अलग अलग टीमों की जीत के बाद यह दावा नहीं सुना होगा कि उनकी जीत क्रिश्चियनिटी की जीत है या हिंदुत्व की जीत है या किसी और धर्म की जीत है। खिलाड़ियों के धर्म से खेल का या किसी मैच में जीत का कोई लेना देना कहां से हो जाएगा? अभी तक पाकिस्तान को विश्व कप में हर बार हराकर भारत में किसी ने यह नहीं कहा कि यह जीत हिंदुओं की जीत है, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद की सोच में धार्मिक उन्माद की मात्रा जरा